अस्सलाम वालेकुम। हाय समीना द केक हाउस की दुनिया में आप सबका स्वागत है। लवली पीपल, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये हमारी भतीजी इनाया। इनाया का मतलब होता है उर्दू और हिंदी में अल्लाह की रहमत या अल्लाह का तोहफा, और इंग्लिश में गॉड्स गिफ्ट। तो इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन हमने शेयर किया है। और सब जो हमने कुछ न्यू फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पिनाटा में जो है हमेशा बनाती हूँ, बट हमने मिकी माउस वाला पिनाटा बनाया है, तो वो मैंने आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे शेयर की हूँ। ये मेरे भाई भाभी है, तो देखिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा कि हमने किस तरीके से पूरे फैमिली के साथ इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन किया है इनाया का, और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो देखिए ये पिनाटा केक है, तो इसको मैंने कुछ न्यू बनाई हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा आइडिया। फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे शेयर की हूँ, कुछ बनाई हूँ नया। तो ये हमने हमेशा की तरह जो है मैं सिलिकॉन मोल्ड्स में चॉकलेट मेल्ट करके डबल बॉयल करके इस तरीके से फ्रिज में सेट करने के बाद 10 मिनट के बाद उसको निकाली हूँ। अब हल्के से उसके साइड के एजेस को ढीला कर रही हूँ, अब इस तरीके से रिमूव कर दिया हमने। सिलिकॉन का है तो इजीली होता है, बट आपको चॉकलेट डाल के 2 से 3 बार सेट करना होता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है, दिखने में ब्यूटीफुल होता है। इस तरीके से हमने डार्क कंपाउंड में भी सेम इसी तरीके से हाफ लिया है, क्योंकि मिकी माउस जो थीम थी मुझे रेड एंड ब्लैक रखना था, इसलिए मैंने व्हाइट चॉकलेट में रेड एंड ब्लैक कंपाउंड डार्क कंपाउंड का यूज़ किया है। अब मैंने थोड़ा फाउंडन का भी यूज़ की हूँ, क्योंकि जो है फाउंडन से ही थोड़ा केक में मज़ा आता है, रेड कलर उठ के दिखता है इफेक्ट। तो मैं ये नॉट्स बना रही हूँ जो मुझे सपोर्ट में पिनाटा रखना था। बेस पे कभी भी आप इस तरीके से राउंड शेप में चॉकलेट या फिर इस तरीके से जो है फाउंडन से बना के रखिए, तो ही आपका पिनाटा अच्छे से रहेगा सपोर्ट में। अब मैं चॉकलेट भी डाल रही हूँ ताकि पूरा चिपक जाए। ये हम एरोली यानी ठाणे में लेके गए थे, तो बहुत संभाल के और इससे लेके गए थे, क्या पता नहीं कैसा जाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गया। और अब मैं ये जो है मिकी माउस के ईयर्स यानी दो कान बनाने के लिए है, जो मैंने ओरियो बिस्किट लिए है, बीच में मिडल में स्टिक डाली है, और उसको चॉकलेट में डिप करके इस दोनों कानों को फ्रिज में इस तरीके से ओरियो बिस्किट में डिप करके फ्रिज में 10 मिनट सेट होने को रखा है। और ये भी सेट होने तक, जब तक हमने राउंड वाला जो हाफ पिनाटा लिया था उसमें सब सरप्राइज चॉकलेट्स केक्स जो अलग अलग ट्रेंडिंग में चले हैं वो सब हमने रखे। बच्चों के फेवरेट्स होते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है ये सरप्राइज चॉकलेट। आप चाहिए तो इसमें गिफ्ट रख सकते हैं। मैंने अलग अलग पिनाटा वाले सरप्राइज चॉकलेट केक हर वीडियो शेयर की हूँ, आप चाहिए मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने दोनों को रख दिया है, डार्क एंड जो रेड वाला कंपाउंड का हाफ हाफ बॉल बनाए थे, और उसको चॉकलेट से चिपका दिया है अगेन। और फिर उसको फ्रिज में रखने के बाद सेट होने के बाद फिर से हमने रेड कलर देने के लिए थोड़ा सा स्प्रे फुसफुस यूज़ किया है। और फिर अब मैं वापस जो थोड़ा बचा हुआ फाउंडन था उसकी लाइनिंग लगा रही हूँ बॉर्डर में, जिससे और अच्छा और सपोर्ट में रहेगा। और अब मैं ये थोड़ी सी जो है लोखंड की सुई या फिर आप जो है कोई भी एक छुरी या नाइफ को हल्का सा गर्म कीजिए। बस दो जो ईयर लगाने थे मिकी माउस के, उसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म करी हूँ हीट देके, और उसको हल्का सा एक ईयर के लिए छोटे छोटे होल करके उसमें अब ये जो हमने ओरियो बिस्किट सेट किए थे उसको डाल के इस तरीके से अगेन थोड़ा सा चॉकलेट लगा के फिर से हमने फ्रिज में रख दिया है। और अब जब तक हम ये येलो वाले फाउंडन को छोटे छोटे राउंड बना रहे हैं, क्योंकि उस पर ये येलो ऐसे डॉट्स होते हैं मिकी माउस, और इस तरीके से ब्यूटीफुल सरप्राइज चॉकलेट मिकी माउस वाला थीम रेडी हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा आइडिया। आप चाहिए किस तरीके से भी बना सकते, बस आपको आइडिया और उसकी प्रिपरेशन आना चाहिए। और ये सब सेलिब्रेशन के ग्रैंड फोटो है। बजाओ भुगो भुगो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आराम से हैप्पी बर्थडे डियर इनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
इन्नुडा वो थोड़ा केक को पीछे करो लो और अभी अभी करो हाँ और पीछे करो हाँ अभी काटो चलो स्टार्ट। और ये इनाया के पप्पा यानी मेरे भाई है और ये उसकी मम्मी ग्रैनी नानी माँ है, ये सब उसके नैनिहाल है यानी ग्रैनी की फैमिली है, ये उसके अंकल है मामू है और बच्चियाँ मामू की बहुत जान होती है, ये उसकी पूरी फैमिली है, भाई भाभी बहनें हैं सिस्टर्स बहुत अच्छे हैं ये सब। और ये हमारे भी कुछ फैमिली के साथ फ़ोटो है जो हम गिफ्ट देते वक्त थोड़ा फन इंजॉय करते वक्त ये सब हमारे फ़ोटो थे, मैंने शेयर की हूँ कुछ केक खाते हुए बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद मिले और हमने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया। ये अनीस भाई की भी फैमिली है, ये उनका छोटा भाई है और भाभी है, ये जो रूबा है मैंने उसका भी बर्थडे वीडियो शेयर की थी पुलमिया, तभी भी हमने बहुत इंजॉय किया बट यहाँ पे थोड़ा ग्रैंड बर्थडे था फर्स्ट बर्थडे और ये डिनर हुआ उसके बाद। ऐसा करती हूँ क्या दे रहा है? ये मेरी भतीजी इसका फर्स्ट बर्थडे था और ये उसकी मम्मी और ये इसके पापा मेरे भाई, अभी बताओ पहला बर्थडे था उसकी पुप्पी ने अपने तरफ से केक लाई थी उनका मिकी माउस है हाँ पीनाटा और वो खुद केक बनाते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, उनका खुद का चैनल भी है जिसपे आप उनके रेसिपी सीख सकते हैं देख सकते हैं। तो आप समीना द केक हाउस ये उनका चैनल है, उनको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू हमारे बहुत ही मजा आया उनके केक से। थैंक यू अभी इधर इधर दिखाओ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए रूबा चलो। इस तरीके से रूबा और मेरे भाई ने बहुत प्यार भरा फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये हमारी फैमिली फोटोज और पिक्चर्स और सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा जो एरोली में इनाया के नानी यानि मामा और खाला के घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत ही मज़ा आई। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिकी माउस थीम पीनाटा सरप्राइज केक, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।